भ्रष्टाचार के ऊपर वोट किया है, जो ये लोग कहते हैं कि हमारी जितने पेपर होते हैं बिल्कुल निष्पक्षता से होते हैं, उसमें मैं कहना चाहूंगा इनसे एक टीटी का पेपर नहीं कराया गया तो ये क्या निष्पक्षता दिखाना चाहते हैं जी। और भी आपकी समस्या इसके जी, और बहुत सारी समस्याएं समस्याएं हैं, बेरोजगारी देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, आप कहाँ जा रहे, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, खाने वाला तेल देख लीजिए, सिलेंडर देख लीजिए कहाँ जा रहा है, ये सारी सब समस्याएं ही हैं। तो इस बार युवा की सोच यही है, बदलाव चाहता है, 2022 में बदलाव होगा, अवश्य होगा इस बार। भेदभाव किसी से ना बने, एकता बनी रहे और जो है रोजगार भी मिलता रहे किसान लोगों का जो है इस समय। सोचकर आपने वोट डाला, महंगाई सोचकर वोट डाला। हम किसान हैं, सब फसलें उजड़ रही हैं, जानवर खा रहे हैं, आवारा पशु। अच्छा, और कोई और मतलब बेरोजगारी। अच्छा, और महंगाई। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, हम दीपक, आप देख रहे हैं टीके भारत में। उत्तर प्रदेश जनपद पीलीभीत के विधानसभा 130 में मैं मौजूद हूँ इस समय। ये गांव पड़ता है सहवाजपुर। कुछ लोग वोट डालने के बाद मतलब वोट डालते हुए बाहर आ रहे, 100 मीटर की दूरी के बाहर मुझे लोग मिल गए, मैं इससे कुछ पूछूंगा। भैया आपका क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। अच्छा, तो आप वोट डाले हैं जी? तो आपने किस मुद्दे में क्या सोचकर डाला वोट? महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर। अच्छा, आगे बढ़े। और आप कोई समस्या है? नहीं, और बस यही सारी समस्या है, महंगाई है, ताबड़तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है, सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, और छुट्टा जानवर भी सबसे बड़ी समस्या है गाँव में। अच्छा अच्छा, भैया आपका क्या नाम है? पवन गंगवार। अच्छा, आप वोट डाले हैं जी? ठीक है, आपने किस मुद्दे पर वोट डाला है? महंगाई, छुट्टा जानवर। अच्छा, और कोई समस्या? और कोई समस्या, और महंगाई है, बेरोजगारी, अधिक से अधिक बेरोजगारी। अच्छा, और देखिए भैया क्या नाम है आपका? मोहित पटेल। अच्छा, वोट डाले? हाँ। अच्छा, क्या सोचकर वोट डाला आपने? काम के ऊपर डाला है इधर। अच्छा अच्छा, और देखिए उधर, और भैया मुझे मिल गए हैं, इधर आइए। अच्छा, आपका क्या नाम है? राम शरण लाल। अच्छा, वोट डाले यार? हाँ डाले। आपने क्या सोचकर वोट डाला? आपकी इतनी उम्र हो गई आपको? हम किसान हैं, सब फसलें उजड़ रही हैं, जानवर खा रहे हैं, आवारा पशु। अच्छा, और कोई? और मतलब बेरोजगारी। अच्छा, और महंगाई। अच्छा अच्छा अच्छा, परिवर्तन चाह रहे हैं आपके? हाँ, परिवर्तन चाह रहे हैं जी। और देखिए मुझे एक दिव्यांग भैया मिल गए, भैया क्या नाम है आपका? हरिओम। अच्छा, वोट डाले? वोट डाले। अच्छा, क्या सोचकर आपने वोट डाला? महंगाई सोचकर वोट डाला। अच्छा, और इधर देखिए दोस्तों, मुझे कुछ लोग और युवा मिल गए हैं, मैं इनसे जानूंगा, जानूंगी भैया की राय। आपका क्या नाम है? सज्जन हुसैन जी। अच्छा, वोट डाले आपने? वोट डाले। क्या समझ कर डाला आपने? वोट यही समझ के डाला है कि भेदभाव किसी से ना बने, एकता बनी रहे और जो है रोजगार भी मिलता रहे किसान लोगों का जो है इस समय। ठीक। भैया आपका क्या नाम है? भैया सौरभ पटेल। सबसे पहले मैं आपको डीके भारत न्यूज को धन्यवाद कहना चाहूंगा, जो आप सच्चाई दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपने किस मुद्दे पर आज वोट डाला? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा बेरोजगारी का है जी। जो आज की डेट में युवा बेरोजगार घूम रहा है उसके ऊपर हमने वोट किया है। दूसरी बात, महंगाई के ऊपर वोट किया है। तीसरी बात, भ्रष्टाचार के ऊपर वोट किया है, जो ये लोग कहते हैं कि हमारी जितने पेपर होते हैं बिल्कुल निष्पक्षता से होते हैं, उसमें मैं कहना चाहूंगा इनसे एक टीटी का पेपर नहीं कराया गया तो ये क्या निष्पक्षता दिखाना चाहते हैं जी। और भी आपकी समस्या इसके अलावा? जी, और बहुत सारी समस्याएं समस्याएं हैं, बेरोजगारी देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, आप कहाँ जा रहे, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, खाने वाला तेल देख लीजिए, सिलेंडर देख लीजिए कहाँ जा रहा है, ये सारी सब समस्याएं ही हैं। तो इस बार युवा की सोच यही है, बदलाव चाहता है, 2022 में बदलाव होगा, अवश्य होगा इस बार। अच्छा अच्छा, आपका क्या? अच्छा, क्या नाम है आपका? भानु प्रसाद। अच्छा, वोट डाले आप जी? किस, आपने क्या समझ के डाला आप? तो मैं परिवर्तन चाहता हूँ। अच्छा, और कोई समस्या आपकी? समस्या तो बहुत सारी बता हैं। दीजिए। बेरोजगारी है, महंगाई है, और किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, किसानों के लिए बहुत किसान विरोधी सरकार है ये। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।